नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस है, तो आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अमीर खुसरो, जो आदिकाल के अत्यंत महत्वपूर्ण कवि हैं, 14वीं शताब्दी के कवि हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं हमारे लिए। और इनसे संबंधित प्रश्न प्राय अधिकांश परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे संघ लोक सेवा की परीक्षा हो, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा हो। तो अमीर खुसरो से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको मैंने इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। और निश्चित रूप से यदि आप इसे शुरू से अंत तक देखते हैं तो बहुत सारे प्रश्नों का आपको उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अमीर खुसरो ये आदिकाल के कवि हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्दुल हसन था। एक प्रश्न तो यही हो गया कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, अब्दुल हसन था। और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया बहुत ही प्रसिद्ध सूफी संत हुए हैं, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो मुख्य रूप से फारसी के कवि थे, लेकिन इनको खड़ी बोली जो हिंदी है उसका प्रथम कवि माना जाता है इनको, लेकिन ये फारसी के कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो का समय 1255 ईस्वी से लेकर 1324 ईस्वी तक है, और 1324 ईस्वी में ही इनके गुरु की भी मृत्यु हुई थी और इनकी भी मृत्यु हुई थी। 1283 ईस्वी में अमीर खुसरो ने रचना प्रारंभ की। तो इसमें कुछ समझाने के लिए कुछ विशेष है नहीं, सिर्फ तथ्य हैं, लेकिन यदि आप उसको सुन लेते हैं, बार बार देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो आपको याद हो जाता है और परीक्षा में आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, या फिर आप जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उसमें आप तुरंत ही आपको उत्तर पता चल जाता है। तो ये प्रश्न तो आप हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, भले ये आदिकालीन कवि हैं लेकिन खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि इन्हें माना जाता है, इसका गौरव इन्हें प्राप्त है। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली कस्बे में, इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। और ये ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने 11 शासकों का, दिल्ली के 11 शासकों का शासन इन्होंने देखा है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन्होंने गुलाम वंश का पतन, ये सब दिल्ली सल्तनत दिल्ली के शासक हैं, खिलजी वंश का उत्थान, तुगलक वंश का प्रारंभ देखा है। इनके जीवन काल में दिल्ली के शासन पर 11 सुल्तान बैठे। तो प्राय परीक्षाओं में यह भी पूछा जाता है वो कौन से कवि हैं जिन्होंने दिल्ली के 11 सुल्तानों का शासन देखा था। अमीर खुसरो एक सहृदय उदार स्वभाव से मिलनसार और विनोदी व्यक्ति थे, बहुत ही सहज सरल विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे, इनमें सांप्रदायिक कट्टरता नहीं थी। ये फारसी के श्रेष्ठ कवि थे, मतलब ये धार्मिक रूप से बहुत ही सहिष्णु कवि थे, धार्मिक कट्टरता इनमें नहीं थी, और ये फारसी के बहुत ही श्रेष्ठ कवि माने जाते थे अपने समय में। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद नाम के जो विद्वान है इनका कहना है ये कवि भी थे, योद्धा भी थे और क्रियाशील मनुष्य थे, मतलब बहुत ही कर्मठ व्यक्ति थे। कवि होने के साथ ही ये योद्धा भी थे, शायर भी थे, बहुत कुछ थे। इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया थे, जैसा मैं ऊपर बता चुका हूँ, जिनकी मृत्यु संवत 1324 ईस्वी में हुई और उसी वर्ष इनकी भी मृत्यु हुई। और जब इनके गुरु की मृत्यु हुई तब इन्होंने ये दोहा पढ़ा था जो प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है, ये दोहा, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। तो यह अत्यंत ही प्रसिद्ध इनका दोहा है, जब इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई तब इन्होंने यह दोहा पढ़ा था, तो यह आपको याद रखना है। आदिकाल में सर्वाधिक रचनाओं के प्रणयन का श्रेय कदाचित इन्हें ही प्राप्त है, मतलब आदिकाल में सबसे ज्यादा रचनाएं लिखने का श्रेय इनको दिया जाता है। और वे क्या थे, वे कलाकार भी थे, संगीतज्ञ भी थे, शायर भी थे और सैनिक भी थे। मतलब खुसरो का संपूर्ण जीवन राजाश्रय में बीता और इनके व्यक्तित्व के बहुत पहलू थे, मतलब इनको राजाओं का, पूरे 11 राजाओं का इनको आश्रय मिला आप कह सकते हैं। इन्होंने गुलाम, खिलजी और तुगलक आदि 3 अफगान राजवंशों और 11 सुल्तानों को देखा, 11 सुल्तानों का शासन काल देखा है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि परीक्षा में यह प्राय पूछा जाता है। अब डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की कृति है, इसमें इन्होंने लिखा है अमीर खुसरो बलबन के दरबारी कवि थे। ये बलबन के दरबार में उसके पुत्र मोहम्मद के काव्य विनोद के लिए नौकर रखे गए थे, फिर धीरे धीरे बढ़कर राजकवि हो गए। मतलब उनका जो बेटा था बलबन का, उनका मोहम्मद नाम था, तो उनके मनोरंजन के लिए इनको रखा गया था कि उनके बेटे को कविता सुनाए और उनका मनोरंजन करे। अब बड़े बड़े राजा लोग थे, बच्चों के मनोरंजन के लिए समय कोई और साधन नहीं हुआ करता था, तो कवि को ही रख लिए कि भैया आप हमारे बच्चों को कविता सुनाना, मनोरंजन करना। तो जलालुद्दीन खिलजी ने
खुसरो को अमीर की उपाधि दी थी। अमीर खुसरो इनका नाम नहीं था, नाम तो पता है आपको, अब्दुल हसन था। जलालुद्दीन खिलजी ने खुसरो को अमीर की उपाधि दी, तो इसके हत्यारे भतीजे अलाउद्दीन ने, जलालुद्दीन खिलजी ने खुसरो को अमीर की उपाधि दी, तो इसके हत्यारे भतीजे अलाउद्दीन ने राजकवि की उपाधि दी थी। अमीर की उपाधि इनके चाचा ने दी थी जलालुद्दीन खिलजी ने, और राजकवि की उपाधि किसने दिया था? अलाउद्दीन ने दिया था। तो ये उपाधि भी महत्वपूर्ण है। अब अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी है? खुसरो की अधिकांश रचनाएं अलाउद्दीन के राज्यकाल की हैं, अलाउद्दीन खिलजी के समय में इन्होंने ज्यादा लिखी है। 1298 ईस्वी से लेकर 1301 ईस्वी तक इन्होंने 5 रोमांटिक मसनबियां, जो पंचगंज नाम से प्रसिद्ध हैं, लिखी। मसनबियां मतलब एक लिखने का तरीका है, उर्दू का कुछ लिखने का तरीका है, पंचगंज कहा जाता है। मुपे सिपा एक ही शब्द है, यहाँ पर आप जो गैप को आप कम कर लीजिएगा। मुपे सिपा मसनबी में उन्होंने भारत की प्रशंसा की है और स्वयं को हिंदुस्तान का तूती कहा है। मतलब तो इन्होंने खुद को क्या बोला है? मुपे सिपा नाम के कृति में इन्होंने हमारे देश भारत की प्रशंसा भी की और स्वयं को हिंदुस्तान का तूती भी कहा है। हिंदुस्तान की तूती, तूती बोलती है जैसे बोलते हैं। ये मसनबियां उनके धर्म गुरु शेख निजामुद्दीन औलिया को समर्पित है। तो किसके सम्मान में इन्होंने लिखा है? अपने गुरु शेख निजामुद्दीन औलिया। खुसरो के दो गद्य ग्रंथ हैं, यह सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। खुसरो के दो गद्य ग्रंथ खजाइनुल फतह, मतलब अलाउद्दीन की विजय गाथा, और एजाज ए खुसरवी, यह इनका अलंकार ग्रंथ है, यह भी बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इनका अलंकार ग्रंथ है एजाज ए खुसरवी। खुसरो ऐसे प्रथम मुस्लिम कवि हुए जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। सर्वप्रथम हिंदवी शब्द के प्रयोक्ता अर्थात प्रयोग करने वाले अमीर खुसरो ही थे। तो हिंदवी जो शब्द है, इसके प्रयोग करने वाले जो सबसे पहले व्यक्ति कौन है? अमीर खुसरो है। तो हिंदी, हिंदवी, फारसी है, अलग अलग रूप है भाषा के, इसमें तीनों में ये लिखते थे, और हिंदवी शब्द का सबसे पहले प्रयोग इन्होंने ही किया था। ये मैं बार बार रिपीट यहाँ पर मैंने किया हुआ है क्योंकि अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि है। हिंदी में इन्होंने पहेलियां, मुकरियां, दो सखुने, ढकोसले और गजल लिखी। यहाँ पे नुक्ता लगा लीजिएगा, ग के नीचे में जक नीचे, गजलें। उनका अरबी, फारसी, हिंदी शब्दकोश खालिक बारी भी अत्यंत प्रसिद्ध है। अरबी फारसी का उन्होंने शब्दकोश बनाया, जो डिक्शनरी बनाई, इसका नाम है खालिक बारी। ये प्राय परीक्षा में पूछा जाता है। खुसरो ने खालिक बारी लिखकर अरबी, फारसी और हिंदी की त्रिवेणी को जन्म दिया। मतलब इस डिक्शनरी में अरबी शब्द का फारसी में अर्थ और फारसी के साथ हिंदी में भी अर्थ, कोई भी अरबी शब्द है उसका फारसी में भी अर्थ दिया, हिंदी में भी अर्थ दिया। तो ये तीनों ही भाषाएं हैं इसमें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके विषय में लिखा है, खुसरो की हिंदी रचनाओं में दो प्रकार की भाषा पाई जाती है। इनकी खुसरो की भाषा कैसी, इस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कमेंट किया है। ठेठ खड़ी बोलचाल की भाषा कहाँ मिलती है? ठेठ खड़ी बोलचाल की भाषा पहेलियां, मुकरियां और दो सखुनों में ही मिलती है। यद्यपि उनमें भी कहीं कहीं ब्रज भाषा की झलक है। खड़ी बोली में तो इन्होंने लिखा है पहेलियां, मुकरियां और दो सखुने, लेकिन उनमें ब्रज भाषा की भी झलक दिखाई पड़ती है। पर गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख्य प्रचलित काव्य भाषा ही है। मुख्य प्रचलित काव्य भाषा मतलब जो समय बोलचाल की भाषा में जो कविता कही जाती थी। तो गीतों जो इन्होंने गीत लिखे, जो इन्होंने दोहे लिखे, तो उनकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है, या उस समय जो प्रचलित जन भाषा है, काव्य भाषा है। मुख प्रचलित मतलब जो खाली गाते थे उसको बोलते थे। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना था। जैसे अंदर कबीरदास का लक्ष्य क्या था? कबीरदास जी का लक्ष्य था समाज में सुधार करना, जो आडंबर है, जो बुराई है उनको दूर करना, उनका लक्ष्य था। लेकिन अमीर खुसरो का लक्ष्य क्या था? सिर्फ और सिर्फ जनता का मनोरंजन करना था, या अपने राजाओं का, जो भी राजा जिनके राजाश्रय में थे, उनका मनोरंजन करना था। खड़ी बोली में खुसरो की पहेलियों के उदाहरण निम्नलिखित हैं। हम बचपन में भी स्कूलों में पढ़ते थे कि इनकी पहेलियां कौन सी है। खुसरो की पहेलियां बहुत ही प्रसिद्ध हुआ करती थी। तो पहले क्या है, मनोरंजन के ज्यादा साधन होते नहीं थे, तो टाइम पास करने के लिए लोग पहेलियां पूछते थे। तो कभी लोग ऐसे पहेलियां बना देते थे, या फिर जब घर के बड़े बुजुर्ग होते थे, बच्चों को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए पहेलियां बोलते थे। इससे बच्चे सीखते भी थे और उनका मनोरंजन भी होता था। जैसे कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा गिरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो आकाश हो गया, आकाश में बहुत सारे तारे रहते हैं जो हमको दिखाई देते हैं, लेकिन गिरता कोई नहीं है। अब दूसरा है, एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। तो दिया बत्ती, देखो जो दिया में हम जो बाती लगा कर रखते हैं, तो धीरे धीरे क्या है, तेल सूखते जाता है, और दिया को कुछ, बत्ती को कुछ होता नहीं, बस तेल सूख जाता है। इसके बाद
एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। यह हो गया पायजामा। जैसे पायजामा में दो ठो मतलब पहनने का होता है हमारे पास, ट्राउजर जैसा। अब इसका चौथा है, अरत तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। तो ऐसे पूछते थे प्रश्न, उसका उत्तर होता है दर्पण। तो यह सारी उनकी पहेलियां हैं। पहेलियां मतलब कोई क्वेश्चन दे देना, जैसे आजकल क्विज रहता है। दो शकुने, कुछ भी नहीं कर सकते इसमें, सीधा आपको अपने आप ही बताना रहता था सोच। दो शकुने, दो शकुने नाम के कुछ पंक्तियां लिखते थे। पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा फेरा ना था। यह सब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। और मुकरियां, मुकरियां सब काव्य के अलग अलग रूप है जो उसमें प्रचलित थे। नित मेरे घर आवत है, रात गए फिर जावत है। फसत अमावस गोरी के फंदा, ऐसा की साजन ना सकी चंदा। तो यहाँ पर मैं इसके व्याख्या पर नहीं जा रहा हूँ, ना मुझे पता भी नहीं है, इसको पढ़ना पड़ेगा कहीं पर। लेकिन उन्होंने क्या क्या लिखी है ये मैं बता रहा हूँ आपको। भाव की दृष्टि से खुसरो का भले ही महत्व ना हो, जैसे कबीरदास जी का जो महत्व है उतना महत्व इनका यहाँ पर नहीं है, या फिर जो और अन्य कवि है भावना की दृष्टि से वैसा इनका महत्व नहीं है जैसे भूषण या फिर अन्य कवि हुए। लेकिन इसके बावजूद भी इनको खड़ी बोली के प्रथम कवि होने का दर्जा प्राप्त है, महत्व प्राप्त है। तो ये बहुत ही मतलब गौरव की बात है। तो इस दृष्टि से उनका योगदान क्या है, अविस्मरणीय है, जिसको आज हम हिंदी बोलते हैं, खड़ी बोली हिंदी। अब ये पहले बता चुका हूँ, खुसरो के अमीर की उपाधि जलाउद्दीन खिलजी ने दी थी, और राज कवि की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी, और बुलबुले हजार दास्तान की उपाधि बुगरा खान ने दी थी। ये अलग अलग शासकों ने उन्हें अलग अलग उपाधियों से सम्मानित किया था। अमीर खुसरो के नाम पर 100 पुस्तकें लिखी बताई जाती हैं, जिसमें जिनमें कई लाख शेर थे। ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने लगभग 100 पुस्तकें लिखी थी, लेकिन वर्तमान में 20-21 ग्रंथ प्राप्त होते हैं। उनकी फारसी रचनाएं तो मिलती हैं, पर खड़ी बोली की अधिकांश रचनाएं नष्ट हो गई हैं। फारसी की रचनाएं अभी भी मिल जाती है, खड़ी बोली हिंदी की रचनाएं अभी प्रायः नहीं मिलती है। कुछ लोगों का कहना है कि स्वयं खुसरो ने यहाँ पे डांट नहीं लाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि स्वयं खुसरो ने खड़ी बोली की रचनाओं को महत्व नहीं दिया और मित्रों में बांट दिया, मतलब खड़ी बोली में जो रचना लिखी थी अपने दोस्तों को दे दिया, जाओ तुम लोग कहोगे। जैसे उन्होंने लिखा हुआ है, फारसी में लिखा होगा, जुजबे चंद नजमे हिंदवी नस्ते दोस्ता कर रहा शुद्ध, मतलब उन्होंने लिखा होगा कि जाओ मैं दोस्तों को मैं बांट रहा हूँ। इनकी रचनाओं में ये भी रचनाएं शामिल है, किस्सा चाह दरवेश और खालिक बारी। खालिक बारी तो डिक्शनरी जो बता चुका हूँ। इनका तुर्की अरबी फारसी और हिंदी का पर्याय कोश नामक ग्रंथ भी बड़ा महत्व है, मतलब डिक्शनरी बनाने की इनके बहुत ज्यादा रुचि थी। तुर्की अरबी फारसी हिंदी सबका इन्होंने वहां पर क्या समय डिक्शनरी बनाते थे, मतलब बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही मेहनती और कर्मठ व्यक्ति थे अपने समय के, बहुत महान कवि थे। इनके अलावा पहेलियां मुकरियां दो शकुने है ना, दो शकुने गजल आदि भी विशेष रूप से लोकप्रिय है। इन्होंने कई शेर लिखे जिनकी संख्या लाखों में बताई जाती है। यहाँ टाइपिंग में कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं, आप उसको सुधार दिया करिए, क्योंकि लंबा चौड़ा टाइप करते समय क्या कुछ है वहां पर त्रुटियां भी रह जाती हैं। तो अमीर खुसरो की भाषा, अब अमीर खुसरो की भाषा क्या थी आइए देखते हैं। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी को काव्य की भाषा बनाने वाले पहली कवि हैं, खड़ी बोली हिंदी में कविता लिखने वाले पहले कवि हैं। अमीर खुसरो के साहित्य से भाषा शास्त्र में प्रचलित एक मजेदार भ्रम का निवारण हो जाता है कि हिंदी का जन्म उर्दू से नहीं हुआ है, बल्कि उर्दू हिंदी की एक शैली मात्र है। उन्होंने फारसी भाषा में भी ग्रंथ लिखे। तो इनका जब हम साहित्य का अध्ययन करते हैं तब इस भ्रम का निवारण हो जाता है कि खड़ी बोली हिंदी की दो बेटियां हैं, एक है हिंदी दूसरा है उर्दू। मतलब जो उर्दू है वह हिंदी को लिखने की एक शैली मात्र है। उर्दू क्या एक शैली है जिसमें अरबी फारसी के शब्द ज्यादा रहते हैं। तो उर्दू क्या है, कोई अलग से भाषा नहीं है, हिंदी का ही एक रूप है, हिंदी की लिखने की एक शैली है। और इसको बोला जाता है कि यह खड़ी बोली हिंदी की दोनों बेटियां, हिंदी और उर्दू। इन्होंने फारसी भाषा में भी ग्रंथ लिखे हैं, ये तो पता ही आपको। खुसरो ने अपनी रचनाओं में जो ऐतिहासिक तथ्य दिए हैं उसको प्रायः प्रामाणिक माना जाता है। खुसरो ने अपने ग्रंथ में जो ऐतिहासिक विवरण दिया है वे अपेक्षाकृत विश्वसनीय है, क्योंकि ऐतिहासिक व्यक्तित्व है, 11 सुल्तानों का शासन उन्होंने देखा है। उन्होंने केवल ऐतिहासिक घटनाओं का ही परंपरागत ब्यौरा नहीं दिया है, बल्कि तत्कालीन सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी सजीव अंकन किया है। मतलब उन्होंने केवल ऐतिहासिक घटनाओं का भी वर्णन नहीं किया है, बल्कि उनके समय में जो राजनीतिक धार्मिक आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां थी उसका भी उन्होंने अपने उसमें रचनाओं में सजीव चित्रण किया है, सजीव अंकन किया है। तत्कालीन सुल्तानों का इतिहास भी इनके साहित्य में सुरक्षित है। तो इन्होंने जो ऐतिहासिक रूप से जो ग्रंथ लिखे हैं तो उस समय के जो 11 सुल्तान हुए या फिर अन्य सुल्तान हुए हैं उनका इतिहास भी इनके साहित्य में सुरक्षित है। उनकी फारसी भाषा में निबद्ध मसनवी हिजरनामा इस दिशा में अत्यंत विश्वसनीय है, ये भी उनकी कृतियां हैं। अब खुसरो का गवैया या गायक रूप, खुसरो के क्या है, व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार के रूप है।
शायर भी हैं, गायक भी हैं, योद्धा भी हैं और भी न जाने क्या क्या हैं, संगीतज्ञ भी हैं। तो अमीर खुसरो गायक के रूप में भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। अमीर खुसरो प्रसिद्ध गवैये भी थे, अपने समय के प्रसिद्ध गायक भी थे, जाने माने गायक भी थे। ध्रुपद के स्थान पर कौल या कवाली बनाकर इन्होंने बहुत से नए राग निकाले थे। ध्रुपद क्या है, शास्त्रीय संगीत का एक रूप है, तो इसके स्थान पर इन्होंने कवाली को जन्म दिया था और बहुत सारे नए रागों की इन्होंने रचना की थी। कहा जाता है कि बीन के तारों को घटाकर इन्होंने सितार बनाया था। तो बीन जो होता है उसको घटाकर, उनके जो तार है उनकी संख्या घटाकर इन्होंने सितार बनाया था। और इस प्रकार आप कह सकते हैं कि सितार को जन्म देने का श्रेय, सितार नामक जो वाद्य यंत्र है उसको बनाने का श्रेय भी अमीर खुसरो को दिया जाता है। तो बहुत सारी चीजों का श्रेय इनको दिया गया है, बहुत ही महान कवि है। अमीर खुसरो के संबंध में विद्वानों का क्या कहना है, यह हम देखते हैं। अमीर खुसरो के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है हिंदी साहित्य के इतिहास में, खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। मतलब धीरे धीरे भाषा क्या है, परिष्कृत हो रही थी और खड़ी बोली हिंदी अपना नया रूप ले रही थी। वास्तव में आज हम जो प्रयोग में ला रहे हैं उसकी शुरुआत हो चुकी थी और इसी रूप में यह खुसरो में मिलती है। मतलब वर्तमान समय में जिस हिंदी का हम प्रयोग कर रहे हैं उसका आरंभिक स्वरूप किसमें दिखाई देता है, अमीर खुसरो में दिखाई देता है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहा। कबीरदास जी की भाषा थोड़ी अलग टाइप की है क्योंकि समाज सुधारक हैं बहुत बड़े, अपने समय के आडंबर बाह्य आडंबर और कुरीतियों को दूर करने का उन्होंने प्रयास किया, वे समाज सुधारक कवि हैं। लेकिन खुसरो का क्या था, उनका काम मनोरंजन करना था, इनकी भाषा जनभाषा के करीब है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। धर्म मतलब उस टाइप का धर्म अध्यात्म नहीं, उनका धर्म धर्म अलग टाइप का था, उनके राम जो थे निर्गुण राम थे। अतः वाणी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ ना कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए। अब इन्होंने क्या लिए हुए, गंभीरता लिया हुआ है क्या, इन्होंने यहाँ पर लिखा नहीं है, उनके आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब से स्टेटमेंट मैंने लिया हुआ है। कुल मिलाकर उनका कहने का मतलब है कि कबीरदास जी की भाषा में क्या है, गंभीरता दिखाई देती है, जटिलता दिखाई देती है, मतलब जिसको समझने के लिए हमको थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, उलट बांसियों का प्रयोग करते हैं जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन अमीर खुसरो की जो भाषा है जनभाषा के करीब है, जो आम जनता की जो भाषा है, जो लोक प्रचलित भाषा है उसके इनकी उसके करीब है। खुसरो के हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है उसमें डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है खुसरो के संबंध में, उसमें न तो हृदय की परिस्थितियों का चित्रण है, मतलब कोई भावनाएं नहीं है, और ना ही कोई संदेश है जनता में समाज सुधार करने का, यह केवल मनोरंजन की सामग्री है। मतलब इन्होंने ज्यादा उनको महत्व नहीं दिया है, वेटेज नहीं दिया है। जीवन की गंभीरता से उपकर कोई भी व्यक्ति उससे विनोद पा सकता है, मतलब इन्होंने इसका महत्व सिर्फ ये बताया कि वे सिर्फ मनोरंजन करने वाले कवि थे, मतलब उसमें ना तो कोई संदेश है और ना ही कोई गंभीर बात है। लेकिन जीवन की कठिनाइयों से उपकर गंभीरता से उपकर यदि कोई व्यक्ति उनकी कविता को पढ़ता है या सुनता है तो निश्चित रूप से उसे आनंद की प्राप्ति होगी। पहेलियों मुखरियों और सखुरों के द्वारा उन्होंने कौतूहल विनोद की सृष्टि की है। मतलब पहेलियों के द्वारा, मुखरियों के द्वारा, सखुरों के द्वारा मन में कौतूहल, कौतूहल मतलब जिज्ञासा कि इसका अर्थ क्या है, और विनोद मतलब आनंद, इसका सृजन उन्होंने किया। कहीं कहीं तो उस विनोद में अश्लीलता भी आ गई है। उन्होंने दरबारी वातावरण में रहकर चलती हुई बोली से हास्य की सृष्टि करते हुए हमारे हृदय को प्रसन्न करने की चेष्टा की है। खुसरो की कविता का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। कहीं कहीं उनकी कविता में अश्लीलता भी दिखाई देती है और दरबारी वातावरण में रहकर उन्होंने हास्य का सृजन करने का भी प्रयास किया है। मतलब अपने अपने शासकों को, अपने आश्रयदाता शासकों को खुश करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, मनोरंजन के लिए उन्होंने हास्य का सृजन किया है और लोगों को खुश करने की चेष्टा की है, सिर्फ उनका कविता का उद्देश्य ही था। तो पहला तो ये उन्होंने लिखा, और दूसरा उन्होंने क्या लिखा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने पुनः लिखा है, चारण कालीन रक्त रंगित इतिहास में जब पश्चिम के चारणों की डिंगल कविता उद्धृत स्वरों में गूंज रही थी और उसकी प्रतिध्वनि और भी उग्र थी, पूर्व में गोरखनाथ की गंभीर धार्मिक प्रवृत्ति आत्मानुशासन की शिक्षा दे रही थी, उस काल में अमीर खुसरो की विनोदपूर्ण प्रकृति हिंदी साहित्य के इतिहास की एक महान निधि है। मनोरंजन और रसिकता का अवतार यह कवि अमीर खुसरो अपनी मौलिकता के कारण सदैव स्मरणीय रहेगा। इसके बावजूद भी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में जो आखिरी है ये जो लाइन लिखी है कि मनोरंजन और रसिकता का अवतार यह कवि अमीर खुसरो अपनी मौलिकता और मौलिकता के कारण सदैव स्मरणीय रहे, तो आप समझ सकते हैं कितने महत्वपूर्ण कवि है। तो चारण काल में उस समय क्या है, वीरगाथा काल में जो उस टाइप के मतलब सिर्फ युद्ध और इन सब चीजों का वर्णन किया जा रहा था, रक्त रंजित इतिहास था, लोग सिर्फ लड़ाई झगड़ा इसमें शामिल हो रहे थे और डिंगल भाषा में कविताएं लिखी जा रही थी। और उसी प्रकार पूर्व में जो गोरखनाथ थे, है ना, गोरखनाथ तो
यह क्या कर रहे थे, लोगों में आत्म अनुशासन की शिक्षा दे रहे थे, धर्म और अध्यात्म की शिक्षा दे रहे थे। तो दो तीन कैटेगरी थी उस समय, इनका कहना है। उस समय जो डिंगल भाषा में वीर रस से संबंधित काव्य लिखे जा रहे थे राजस्थान के, और पूर्व में क्या है, ये गोरखनाथ जी आध्यात्मिक रूप से इन्होंने प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया था, नाथ मनाथ संप्रदाय का, नाथ मत का। लेकिन अमीर खुसरो का काम क्या था, लोगों को एंटरटेन करना था, मनोरंजन करना था, जिसकी उस समय बहुत ज्यादा आवश्यकता थी लोगों की। और ये बहुत ही मौलिक कवि थे, जैसे आज हमारे पास बहुत सारे मनोरंजन के साधन है, उसमें मनोरंजन के साधन भी नहीं हुआ करते थे। तो अमीर खुसरो उस समय के बहुत ही लोकप्रिय कवि थे, आज भी हम जब इनको इनकी कविताओं को पढ़ते हैं तो हमको उतना ही आनंद प्राप्त होता है। तो समझ सकते हैं कितने महान व्यक्तित्व हैं। और खुसरो को हिंदी पर गर्व था, उनका कहना था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है ना, हिंदुस्तान की तूती, उनका कहना था, मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी भी मैं पूछूं, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। मतलब उनका कहना था, यदि आप मेरे से बात करना चाहते हो तो हिंदी में बात करो, ताकि मैं आपसे बात करूं, कुछ नई बातें बता सकूं। तो हिंदी से कितना प्रेम था उनको। कहा जाता है कि वे बड़े विनोदी और सहृदय व्यक्ति थे, बहुत ही विनोदी मतलब हंसी मजाक वाले व्यक्ति थे, बहुत ही भावुक व्यक्ति थे। जैन जीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना करने वाले कवियों में खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान था। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियां और मुकरियां लिखी थी, मतलब उनका मुख्य उद्देश्य था जनता का मनोरंजन करना, उनके बीच में जाकर उनकी बोलचाल की भाषा में उन्हें समझाना, उनके लिए लिखना। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले पहले कवि हैं, कई बार मैं रिपीट कर दिया हूं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है, जिनमें 20-21 उपलब्ध हैं। खालिक बारी जो डिक्शनरी है, पहेलियां, मुकरियां, दो सकूने, है ना, कुछ किताबों में सुकूने लिखा मिलता है, कुछ किताबों में सकूने लिखना मिलता है, दो सकूने और गजल आदि इनमें अधिक प्रसिद्ध है। अमीर खुसरो को भाव की गहराई की दृष्टि से भले ही महत्व न दी जाए, किंतु भाषा की दृष्टि से उनकी पहेलियां साहित्य के इतिहास का सदैव महत्वपूर्ण अंग रहेंगी। तो भले ही भावनाओं की कमी दिखाई देती है लोगों की, कि उनमें कोई भावनाएं नहीं है, कोई बहुत गंभीर भावना का उन्होंने अभिव्यक्ति प्रदान नहीं किया है, बहुत इमोशनल टाइप का उन्होंने कुछ नहीं लिखा है, लेकिन जहां तक भाषा की दृष्टि से उन्होंने जो पहेलियां लिखी है, वह हिंदी साहित्य के इतिहास का हमेशा एक महत्वपूर्ण अंग रहेंगी, आज भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। वस्तुतः उनके काव्य में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का सफल प्रयास कर रही थी, उनकी भाषा के ऐतिहासिक महत्व को समझने के लिए एक पहेली यहां प्रस्तुत है। तो वास्तव में खड़ी बोली का आरंभिक स्वरूप था जिसमें उन्होंने लिखा है, उस समय खड़ी बोली क्या काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि पहले क्या था, ब्रज भाषा है, डिंगल है, पिंगल है, ये सब क्या है, उसमें बहुत सारी काव्य भाषाएं प्रचलित थी, डिंगल, पिंगल, ब्रज भाषा और भी बहुत सारी भाषा, अपभ्रंश, अवहट, ये सब में कविताएं लिखी जा रही थी, लेकिन उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा बनाने का सफल प्रयास किया। तो इनकी एक पहेली यहाँ पर है, तरवर से एक तिरिया उतरी, उनने बहुत रिझाया, बाप का उसने नाम जो पूछा, आधा नाम बताया, आधा नाम पिता पर प्यारा, भूत पहेली गोरी, अमीर खुसरो यूं कहे, अपने नाम न बोली निबोरी। तो ये एक प्रश्न है जिसका आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि इसका उत्तर क्या है, ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ दिया हूँ ये प्रश्न। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जो इसको देख रहे हैं, तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए, इसका उत्तर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, है ना, मैं देखता हूँ कितने लोग सही उत्तर दे पाते हैं। पहली रचना की शैली का हिंदी काव्य में आगे विस्तार नहीं हुआ, किंतु रहस्य प्रवृत्ति के विकास पर उसका अवश्य प्रभाव पड़ा। तो आगे क्या है, पहली लिखने की जो परंपरा इन्होंने शुरू की थी, आगे विकास नहीं हुआ इसका, लेकिन जो रहस्य प्रवृत्ति, जो कौतूहल, जो जिज्ञासा को इन्होंने जन्म दिया था अपनी कविता में, उसका जरूर आगे विकास हुआ, जो कि हम छायावाद तक देख पाते हैं। छायावाद में भी जो रहस्य भावना है, वो सब यहीं से उसका प्रभाव पड़ा। कबीर वगैरह में जो रहस्य भावना आप देख सकते हैं, या फिर अन्य कवियों में जो भी रहस्यवादी कवि के प्रवृत्ति के अंतर्गत जो लिखने वाले कवि हैं, तो उन पर इसका अवश्य प्रभाव पड़ा। चमत्कार और कुतूहल की प्रवृत्तियां भी खुसरो की प्रेरणा से हिंदी काव्य में स्थान पाने लगी। फलतः रीति काल में कुतूहल काव्यों की एक लंबी परंपरा चली, जिसका अभी तक किसी ने अध्ययन नहीं किया। तो इनका असर बाद में जो कवि हुए रीति काल में, या फिर जो बाद में जो कवि हुए यहाँ पर छायावाद वगैरह में, आधुनिक काल में भी जो कवि हैं, तो उनमें जो कौतूहल और रहस्यवादी जो प्रवृत्ति है, इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है इनका। और रीतिकाल के कवियों में भी जो कौतूहल की जो परंपरा चली है, प्रारंभ हुई, वह इनके कारण हुआ, इसका भी अध्ययन किया जाना है, ज्यादा इस पर अध्ययन नहीं हुआ है, रिसर्च की आवश्यकता है। अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं इनके जीवन के विषय में। तो अगर अमीर खुसरो का जीवन परिचय पूछा जाता है, अमीर खुसरो के काव्य और उनकी रचनाओं के बारे में पूछा जाता है, या फिर अमीर खुसरो से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे, इसमें मैंने इसको शामिल करने का प्रयास किया है। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। अमीर खुसरो को जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियां और पहेलियां आदि साधारण जनता की बोलचाल में प्रचलित मिली,
उसी ढंग के पद्य पहेलियां आदि कहने की उत्कंठा इन्हें भी हुई। इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं, उनमें उक्ति वैचित्र की प्रधानता थी, यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने लिखे। मतलब उस समय जो प्रचलित भाषा थी, जो आम बोलचाल की भाषा थी, जो जनभाषा थी, उसमें इन्होंने अपनी पहेलियां और मुकरियां और दोहे, सपने, गजलें इत्यादि को लिखने का प्रयास किया है। इनकी पहेलियां और मुकरियां अत्यंत प्रसिद्ध हैं। उन्हें उक्ति वैचित्र मतलब विचित्रता से किसी बात को कहने की आदत, मतलब जिसमें हमको दिमाग लगाना पड़ता है जिसको समझने के लिए, विचित्र प्रकार की उक्ति होती है, तो ये लिखने की परंपरा इन्होंने शुरू की थी। इसमें कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे थे। खुसरो की हिंदी रचनाओं में भी दो प्रकार की भाषा पाई जाती है, ठेठ खड़ी जो हिंदी है, जो बोलचाल की भाषा है, पहेलियों मुकरियों और दोशकुनों में मिलती है, यद्यपि उनमें भी कहीं कहीं ब्रज भाषा की झलक इनमें दिखाई देती है, लेकिन इनके गीतों और दोहों की जो भाषा है वह ब्रज भाषा है या मुख प्रचलित काव्य भाषा है। मुख प्रचलित काव्य भाषा मतलब जो लोग उस समय बोला करते थे, जो गाया करते थे, जिस प्रकार से वो कविता पाठ किया करते थे, पढ़ा करते थे, कोई लिखित रूप नहीं था भाषा का, मौखिक रूप था कविता का, तो उस काव्य भाषा में इन्होंने लिखा है। यही ब्रज भाषा देख उर्दू साहित्य के जो इतिहास लेखक हैं प्रोफेसर आजाद को यह भ्रम हुआ कि ब्रज भाषा से खड़ी बोली अर्थात उसका अरबी फारसी ग्रस्त रूप उर्दू निकल पड़ी, तो इनको लगता था कि ब्रज भाषा से खड़ी बोली का जन्म हुआ होगा, या फिर अरबी फारसी जो ग्रस्त उर्दू है इसका जन्म भी ब्रज भाषा से हुआ होगा, तो यह समझ रहे थे, तो इनको भ्रम हो गया था। वास्तव में यह सब अलग अलग है, ब्रज भाषा अलग है, खड़ी बोली हिंदी अलग है, खड़ी बोली हिंदी में भी जो हिंदी है और उर्दू है, इस प्रकार। खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों में कुछ प्रक्षिप्त और पीछे की जोड़ी पहेलियां भी मिल गई, इसमें संदेह नहीं। तो खुसरो के नाम से हम जितनी पहेलियां आज पढ़ते हैं, हो सकता है बाद में कुछ नए कवियों ने उनमें कुछ जोड़ दिया हो, तो हम निश्चित रूप से प्रामाणिक रूप से नहीं कह सकते कि सारी जो भी पहेलियां आज हम जो पढ़ रहे हैं खुसरो के नाम से, वो उनके द्वारा ही लिखी गई है, बल्कि कुछ अन्य लोगों का भी योगदान उसमें हो सकता है, ऐसा मानना है विद्वानों का। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, खुसरो का मुख्य लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना था। कबीरदास जी का लक्ष्य अलग था, कबीरदास जी का लक्ष्य था धर्म और अध्यात्म तो था ही, साथ ही साथ उनका समाज सुधार, धार्मिक जो आडंबर थे, जो कुरीतियां थे, उनको दूर करने का उनका मतलब उस समय उन्होंने प्रयास किया, व्रजवासियों का उन्होंने प्रयास किया, संध्या भाषा का प्रयोग किया, तो इस पर उनका तरीका अलग था जो थोड़ा कठिन था, लेकिन क्योंकि खुसरो का क्या जनता का मनोरंजन करना अमीर खुसरो का उद्देश्य था, तो जन भाषा में जब इन्होंने अपने काव्य को लिखा तभी उसको लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, ये ध्यान में रखने का। अब नीचे खुसरो की कुछ पहेलियां दोहे और गीत दिए गए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, प्रायः परीक्षा में पूछा जाते हैं। ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं, एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे मोती उसे एक न गिरे, यह हो गया आकाश। एक नार ने अचरज किया सांप मारी पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए सूखे ताल सांप मर जाए दिया बत्ती। तो यह प्राय परीक्षा में पूछे जाने वाले ये उनके पहेलियां हैं। एक नार दो को ले बैठी टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए खुसरो उसके बल बल जाए पायजामा। तो मैंने एक जगह इसको कलेक्ट कर दिया है, अर्थ तो इसका बुझेगा मुंह देखो तो सूझेगा दर पढ़ाई। अरे गजल भी इन्होंने यहाँ पर अच्छा रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में गजल की इनकी झलकियां दी है। जे हाल मिसकी मकुन तगापुल दुराए नैना बनाए बतियां, किताबे हिजरान दारम ऐजा नलेहू काहे लगाए छतियां, शबाने हिजरा दराज चू जुल्फ बरोजे वसलत चू उम्र कोता, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रुति। तो निश्चित रूप से अंतिम लाइन को छोड़कर बाकी आप भी नहीं समझे होंगे, मैं भी नहीं समझा हूं। अंतिम जो पंक्ति है, सखी पिया को जो मैंने देखूं, हे सखी यदि मैं अपने प्रेमी को नहीं देखती हूं तो कैसे मैं अपनी अंधेरी रातों को काटूंगी, बस यही मुझे भी समझ में आया। तो निश्चित रूप से आज का यह मेरा आपको एपिसोड बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद और स्वतंत्रता दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।